न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वार्म अप मुकाबले में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से शतकीय परी तो खली ही, लेकिन धाकड़ प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम के लिए कुछ ऐसा कह गए जिसे सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं बाबर और रिजवान ने क्या कहा, लेकिन अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत लगभग हो चुकी है। वार्म अप मुकाबले अब शुरू हो चुके हैं, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला खेला गया था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, शुरुआत खराब रही। इमाम उल हक और शफी जल्द ही आउट हो गए और उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बीच एक शानदार शतकीय साझेदारी हुई। बाबर आजम ने शुरुआत में कई एक से बढ़कर एक कवर ड्राइव लगाए, यही कारण था कि उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ टीम का स्कोर 100 के पार पहुँचाया बल्कि अपना हार्दिक शक भी पूरा कर लिया। और उसके बाद 80 रन बनाकर बाबर आजम आउट हुए, लेकिन उसके बाद रिजवान ने अपना शो दिखाया। उन्होंने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में सिर्फ 94 गेंद में 103 रन बनाकर रिटायर्ड हो गए। पाकिस्तान की टीम शानदार बल्लेबाजी के चलते 300 के पार पहुंचने में कामयाब रही। इसके बाद बाबर आजम का बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि भारतीय सरजमीन पर बल्लेबाजी करने का अलग ही अनुभव रहा। गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आ रही थी, लेकिन यह अच्छा है, वर्ल्ड कप से पहले एक तरह से अभ्यास हो गया। भारत की धरती पर आप भारत की धरती पर ही भारत की टीम को हराने का मजा दोगुना होगा। वह सारे बदले भारतीय टीम से ले लिए जाएंगे जो भारतीय टीम एशिया कप में पाकिस्तान को नीचे दिखा चुकी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली भी मुकाबले में अपनी टीम को हर से नहीं बचा पाएंगे। यह हमारे लिए अहम होगा कि इस सरजमी पर मुकाबला जीतना। वही रिजवान ने शतक लगाया तो उन्होंने भी भारतीय टीम की जमकर आलोचना करी। उन्होंने कहा कि भारत की पिच पर बल्लेबाजी करने में जितना मजा आया शायद किसी भी सरजमी पर नहीं आया। हमें लगता है यह सारे हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, क्योंकि भारत की सरजमी पर बल्ले पर गेंद इतनी बढ़िया आ रही है कि भारतीय टीम को हम कड़े चुनौती दे पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के साथ होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम को आसानी से हारने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि गेंदबाजी से तो हम मजबूत हैं ही, लेकिन बल्लेबाजी से भी अब हम मजबूत होकर फिर एक बार उभरेंगे। इस तरह से बाबर और रिजवान ने भारतीय टीम को चेतावनी दी है।